नया सबक पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 15, हसन गंगू। ये बहुत ही अच्छा लेसन है। आज हम क्लास उर्दू जमात में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलो बच्चों, हम अपने सबक की शुरुआत करते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है, दिल्ली में गंगू नाम का एक ब्राह्मण रहता था। अभी यहाँ पे इस लेसन में हमारे लेसन का नाम क्या है, हसन गंगू। अभी यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा सबक है ये। बहुत दिनों की पहले की बात है, हमारा जो दिल्ली है, जैसे हमारी सिटी होती है मुंबई होती है, नागपुर होती है, कानपुर होती है, ऐसी बहुत सारी सिटी होती है, लखनऊ होती है, दिल्ली होती है, दिल्ली होती है। तो दिल्ली में कौन रहता था, एक ब्राह्मण रहता था। इसका नाम क्या था बच्चों, गंगू। वो दिल्ली के बादशाह नासिरुद्दीन के दरबार में आया जाया करता था। वैसे जैसे पहले पुराने ज़माने में बहुत मुग़ल वगैरह की हुकूमत हुआ करती थी, बादशाह वगैरह क्या उनकी हुकूमत चलती थी। तो यहाँ पे जो दिल्ली के बादशाह थे नासिरुद्दीन, तो उनके वहाँ जो ब्राह्मण था गंगू, वो आया करता था। बादशाह उसके दरबारी गंगू की बड़ी इज्जत करते थे। और जो बादशाह थे, जैसे पहले मैंने आपको बताया ना, जैसे बहुत सालों पहले जब हम भी पैदा नहीं हुए थे, चलो हमारे शायद दादा दादी होंगे, परदादा होंगे, वो उन्होंने देखा होगा हमारे, मतलब बादशाह को देखा होगा, राजा महाराजा को देखा होगा। मतलब जब उनकी हुकूमत हुआ करती थी उस ज़माने में, तो बादशाह नासिरुद्दीन के दरबार में कौन आया जाया करता था, हमारा जो गंगू ब्राह्मण था वो आया जाया करता था। और बादशाह उसके दरबारी उसकी बड़ी इज्जत किया करते थे। गंगू ब्राह्मण के यहाँ एक नौकर था जिसका नाम हसन था। अभी गंगू जो था ब्राह्मण के वहाँ क्या था, वो एक नौकर था और जिसका नाम हसन था। जैसे मतलब गंगू मतलब एक किसी के इधर काम करता था, मतलब एक ब्राह्मण के वहाँ काम करता था, नौकरी करता था, जिसका नाम हसन था। हसन बहुत गरीब था मगर मेहनती ईमानदार भी था। अभी जो हसन था जिसके यहाँ गंगू काम करता था, नौकरी करता था, हसन कैसा था, बहुत गरीब था लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार भी था। दिन भर गंगू के खेत में काम करता था। उसको जो भी तनख्वाह मिलती उस पर उसकी गुजर बसर होती। दिन भर गंगू के खेत में काम करता था जो हसन था। वो दिन भर वो क्या करता था, बहुत ही गरीब था, मेहनती करता था, खेती बाड़ी का काम करता था। और उससे जो भी इसको मजदूरी तनख्वाह मिलती थी, पैसे मिलते थे, उससे अपनी ज़िंदगी को गुजर बसर करता था। एक रोज़ हसन खेत में हल चला रहा था। एक रोज़ क्या होता है, हसन खेत में हल चला रहा था। जैसे पहले ज़माने में इतनी तरक्की नहीं हुई थी, ऑफिसें कंपनी ये सब वगैरह नहीं रहते थे, लोग गांव में काम करते थे। इसका हल किसी चीज़ में फंस गया। तो एक रोज़ हसन जो था वो बहुत खेती में काम कर रहा था, हल चला रहा था, लेकिन उसका अचानक से क्या हो गया था, उसका हल फंस जाता है, किसी चीज़ में फंस जाता है। हसन काम करने से रुक गया। उसने ज़मीन खोद कर देखा तो वहाँ एक गड़ा था। वो गड़ा अशरफियों से बड़ा था। जैसे हम खेतों में, आपने देखा होगा खेतों में, आप अगर गांव गए होंगे अपने अम्मी अब्बू के साथ, दादा दादी नाना नानी के साथ गए होंगे, तो देखो गांव में जब हम खेत में काम करते तो देखो किसान जब हल चलाता तो देखो वो ज़मीन पे पहले मारता है, हल चलाता है और उस पर क्या करता है, उसे जोतता है ताकि ज़मीन हमारी भुरभुरी बन जाए, ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छी तरह से उग सके। तो यहाँ पे हसन जब वो हल चलाते रहता है तो उसका अचानक हल किसी चीज़ में फंस जाता है। वो सोचता है कि मेरा हल इस ज़मीन में क्यों फंस गया है। तो वो ज़मीन खोदता है तो उसे क्या मिलता है, एक गड़ा मिलता है। अब वो जब वो गड़े को खोलता है तो उसमें उससे बहुत सारी अशरफियाँ रहती हैं। जैसे पुराने ज़माने में लोगों का कहना है कि लोग, जैसे आजकल हमारे यहाँ अगर हमें पैसा जमा करना होता है, पैसा वगैरह जमा, तो हम बैंक में जाते हैं, सोना वगैरह कहीं रखना होता है, सही इसमें सेफ्टी जगह पे रखना होता है तो हम बैंक में रखते हैं। लेकिन पहले ज़माने में बैंक वगैरह नहीं रहा करते थे, तो लोग ज़मीन के अंदर दफनाते थे जो भी सोना रहता था, अशरफी रहती थी, तो किसी में गड़े में रख कर वो ज़मीन में दफना डालते थे। इतना बड़ा खजाना पाकर हसन को बेहद खुशी हुई, मगर उसे ख्याल आया कि ये खजाना तो गंगू के खेत में मिला है। अभी जब हसन खेती में काम कर रहा था, हल चला रहा था, तो उसे अचानक क्या मिलता है, ज़मीन खोदता तो उसे एक गड़ा नज़र आता है। वो गड़े को खोलता है तो उसमें बहुत सारी अशरफियाँ रहती हैं। लेकिन वो जब उतना सारा अशरफियाँ देखता है तो हसन खुश हो जाता है। लेकिन उसे एक जहन में ख्याल आ जाता कि ये खेत गंगू का है, ये अशरफियाँ मैं कैसे ले सकता हूँ, गंगू ही का इसका हकदार है, मतलब इसका हकदार कौन है, क्योंकि ये गंगू के खेत से निकला हुआ है, तो इसका हकदार गंगू है। वो अशरफियों का घड़ा लेकर गंगू के पास पहुंचा। उसने गंगू को सारा हाल सुनाया। फिर वो अशरफियों का घड़ा जो था, जिसमें बहुत सारी अशरफियाँ थी, उसका घड़ा लेके कहाँ के गया, गंगू के पास लेके गया। और उसने उसको पूरा सारा हाल सुनाया।
वो हसन की दयानतदारी से बहुत खुश हुआ। अभी जो गंगू ब्राह्मण था वो हसन की ईमानदारी देखता है तो उसे बहुत खुश होता है कि वाकई बहुत ही अच्छा इंसान है, इसने ईमानदारी से मुझे सच सब कुछ सच सच बता दिया। एक मरतबा हसन की दयानतदारी का जिक्र गंगू ने बादशाह से किया। फिर एक बार क्या एक मरतबा क्या होता है, हसन की जो ईमानदारी की तारीफ, जैसे गंगू जो ब्राह्मण था वो बादशाह के दरबारी में आया जाया करता था और बादशाह सारे दरबारी उसकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन जब गंगू बादशाह से मिलता है तो वो हसन की ईमानदारी के बारे में बताता है कि मेरे इधर एक नौकर काम करता है जो बहुत ही ईमानदार, बहुत ही शरीफ है और मेहनती है। बादशाह पर भी इसका बड़ा असर हुआ, उसने हसन को अपने दरबार में मुलाजिम रख लिया। फिर बादशाह भी खुश हो गया, वाकई वो अच्छा इंसान है तो उसे मेरे दरबार में बुलाओ, मैं उसे मुलाजिम की नौकरी दे दूंगा। दरबार में भी वो बहुत मेहनत ईमानदारी से काम करता रहा, और जब वो बादशाह के दरबार में नौकरी करने के लिए गया, मुलाजिम की नौकरी करने गया, तो वहाँ पर बहुत मेहनत और ईमानदारी से काम करने लगा। कुछ दिनों बाद बादशाह ने हसन को दक्कन का सूबेदार बना दिया। फिर कुछ दिनों बाद ऐसे ही जब उसने देखा, बादशाह ने जब हसन का काम देखा कि वाकई हसन अच्छा काम कर रहा है, तो उसे दक्कन का सूबेदार बना दिया। जैसे हमारी कंपनी स्कूल में अगर कोई अच्छा काम वो करता है तो उसे टीचर से सुपरवाइजर बना देते हैं, प्रिंसिपल बना देते हैं, उसका प्रमोशन कर देते। तो पुराने ज़माने में जब बादशाह ने हसन का काम देखा तो उसे सूबेदार बना दिया। दक्कन में उसने लोगों के फ़ायदे के लिए बहुत से काम किए, रिया है उससे बहुत खुश हो गया। दक्कन में उसने लोगों की मजबूरियों के बारे में सोचा, लोगों की गरीबी दूर हुई थी, मतलब लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है, जिससे जो कौम थी आवाम थी उससे बहुत उसके काम से बहुत खुश हो गई। कुछ अरसे बाद हसन खुद दक्कन का बादशाह बन गया। फिर ऐसे ही गुजरते गए, हसन अच्छे से ईमानदारी से काम करने लगा और जितने भी लोग थे उस हसन के काम से खुश हो गए। उसने जहाँ पे लोगों को काम पैसे की ज़रूरत थी, खाने की कमी थी, घर की ज़रूरत थी, तंगी की ज़रूरत, जहाँ पे हर किसी जो भी फैसिलिटी चाहिए थी वहाँ पे हसन ने उन्हें दिलवाया। बादशाह बनने के बाद भी वो अपना मालिक को ना भूला। फिर कुछ अरसे बाद ऐसे दिन गुजरते गए तो हसन को क्या बना दिया गया, एक बादशाह बना दिया। लेकिन बादशाह बनने के बाद भी हसन ने अपने मालिक को ना भूला, उसने अपने नाम के साथ अपने मालिक का नाम भी जोड़ दिया, हसन गंगू कहलाया। उसने कभी जैसे वो पहले गंगू ब्राह्मण के यहाँ काम करता था, लेकिन उसने अपने मालिक को नहीं भूला कि उसने अपने मालिक का ना अपने नाम के साथ जोड़ दिया, जिसे हम क्या कहने लगे, हसन गंगू कहने लगे। इतना ज़माना गुजरने पर भी उसकी वफ़ादारी दयानतदारी लोगों की याद है, मतलब इतना ज़माना गुजर गए लेकिन लोग उसकी ईमानदारी वफ़ादारी आज भी याद करते हैं। तो इस सबक में आपने देखा कैसा हसन गंगू जो बहुत ही शरीफ अच्छा इंसान था, बहुत ही गरीब था, जो बहुत ही एक ब्राह्मण के वहाँ काम करता था, लेकिन उसकी अचानक से किस्मत चमक गई, जो वो नौकर से क्या बन गया, एक बादशाह बन गया और लोगों की मदद करने लगा। तो बच्चों अगर आपको मेरा लेसन पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।